बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मदिया रॉस किचन। आज मेरे किचन में बनने वाला है बहुत ही मजे का व्हाइट सॉस पास्ता और ये हम बनाएंगे चिकन के साथ। जी ये रेसिपी देखिए, वैसे तो खैर ये डिश सभी लोग शौक से खाते हैं लेकिन बच्चों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये थोड़ी माइल्ड बनती है, इसके अंदर हम व्हाइट सॉस बनाते हैं और बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, तो यूनिक सी रेसिपी है, जल्दी से करते हैं हम बनाना स्टार्ट। अच्छा जी देखिए, व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें करना होगा पास्ते को बॉईल। पास्ता बॉईल करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है वाटर, ये ऑलमोस्ट आ गया है अब बॉईल होने पर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ चिकन पाउडर एंड ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अच्छा जी देखिए, पास्ता मैंने यहाँ पे ले लिया है, 200 ग्राम ऑफ पास्ता है ये और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पेनी पास्ता, आप कोई और चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा वाटर हो गया है बॉयल, तो अब मैं यहाँ पे इस पास्ता को कर दूंगी ऐड इसमें। अच्छा जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि देखें, जब भी आप कोई पास्ता स्पेगेटी नूडल्स को बॉईल करें तो आप उसके पैक के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ें क्योंकि हर पास्ता का मे भी थोड़ा बहुत टाइम जो है वो वेरी करता होगा। मेरा जो पास्ता है ये इंशाल्लाह 6 to 7 मिनट्स के अंदर हो जाएगा रेडी। ये देखिए मेरी जो पास्ता है ये बिल्कुल हो गया है डन। अब इसका जो पानी है वो मैं जल्दी से कर लूँगी ड्रेन आउट। देखिए व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जो है मैंने लिया है यहाँ पे पैन और मैं अपना करूँगी फ्लेम ऑन। थोड़ा सा देखें पहले मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी ऑयल, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल। देखें मेरा हो गया है ऑलमोस्ट गरम, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 teaspoon ऑफ चॉप्ड गार्लिक। देखिए गार्लिक मेरा होने लगा है गोल्डन ब्राउन, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 cup ऑफ बॉयल। देखिए मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने छोटे से क्यूब्स टाइप के आप कर लें या बड़े बड़े से थोड़ा सा श्रेड कर लें, पीसेस चंक्स से आप कर लें। 2 टेबलस्पून ऑफ स्वीट कॉर्न, 2 टेबलस्पून ही कैरेट, 2 टेबलस्पून ऑफ पीस। अच्छा देखिए वेजिटेबल आप अपने अपने बच्चों की पसंद से डाल सकते हैं, इसके अंदर आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, जो आपको वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है आप इसके अंदर वो ऐड कर लें। अच्छा देखिए वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा स्टर फ्राई करना है। ओके जी, अब मैं ये वेजिटेबल्स को एक सेपरेट बोल में निकालूंगी। अब देखिए सेम पैन के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, इसको हम डाल के इसका थोड़ा सा मेल्ट होने का वेट करेंगे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा। मैदा डालने के बाद देखिए हमें इसको तेज तेज चलाना है इस तरह से। मैदा हमने देखिए जब तक भूनना है जब तक कि आपके मैदे की स्मेल जो है वो बिल्कुल ना निकल जाए। मैदा देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्टली भून गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 cup ऑफ मिल्क, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मैं इसको इस तरह चलाती जाऊंगी। इसको हमने इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना रहें। देखिए ये जो सॉस बना रहे हैं व्हाइट सॉस, इसको आपने हल्की आंच पे तकरीबन 3 to 5 मिनट्स तक कुक होने देना है ताकि देखिए इस तरह से थोड़ा सा थिक सा हो जाए। ठीक है मेरा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये देखिए जो सारी हमने वेजिटेबल चिकन वगैरह ली थी ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चले हम करते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड। देखें जो कि यूं हैं, इसमें मैंने ले लिया 1/2 teaspoon ऑफ चिकन पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1/2 teaspoon ऑफ मिक्स हर्ब्स, 1/2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/4 teaspoon ऑफ क्रश चिली या चिली फ्लेक्स। सारी देखिए स्पाइसेस हमारी चली गई हैं हमारे व्हाइट सॉस के अंदर, ये देखिए क्या मजेदार सी इसकी शक्ल आई है, वाओ। अब देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीज, ये ऑप्शनल है, कुछ लोग इसके अंदर चीज ऐड नहीं करते हैं, कुछ लोग चीज इस पॉइंट पे ऐड कर देते हैं और कुछ लोग चीज बिल्कुल आखिर में डाल के उसको बेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं वरना ये सॉस बहुत थिक हो जाएगा, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चेडर एंड मोज़रेला ग्रेटेड चीज जो है वो कर दी है इसके अंदर ऐड और अब इसको हम चला लेंगे, इससे इसका बहुत ही मजे का एक चीजी सा फ्लेवर आता है। चलिए जी ये भी चली गई है, अब फाइनली हमारे पास है हमारी पास्ता बॉयल पास्ता, वो मैं इसमें और अब आप लोग कर लीजिए इसको अच्छी तरह से मिक्स। और देखिए इस पॉइंट पे मेरा जो पास्ता है वो होता है बिल्कुल रेडी और अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट।
ये देखिए मजेदार सा मेरा व्हाइट सॉस पास्ता विद चिकन एंड चीज बिल्कुल रेडी है और ये इतना डिलिशियस और माउथ वाटरिंग लग रहा है ना कि आई कांट एक्सप्लेन यू। बहुत ही देखिए सिंपल रेसिपी थी और ये बहुत ही लाइट सा बनता है, माइल्ड होता है, स्पाइसेस में काफी कम होती हैं क्योंकि आप देखिए व्हाइट सॉस के अंदर हमने ज्यादा मिल्क यूज किया है तो इसलिए काफी ज्यादा इसका जो टेस्ट है वो बहुत माइल्ड होता है लेकिन बहुत ही डिलिशियस होता है। बच्चों की तो ये फेवरेट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये स्पेशली मैंने आज रेसिपी बनाई ही बच्चों के लिए है। तो चलिए अब आप लोग जाइए ये मजेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता विद चिकन बच्चों के लिए बनाइए, अपने और अपने लिए बनाइए और एंजॉय कीजिए। विल सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।